हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 की क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 3 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री दे रखा है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसको हल करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पीछे के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होता था, हमें दे रखा होता था बाह्य कोण। अब इसमें हमें दे रखा है अंतःकोण। अंतःकोण से मतलब क्या हो गया, कोई भी बहुभुज मान लीजिए ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसके ये जो अंदर बने होंगे कोण उनको क्या कह देंगे हम, अंतःकोण। अब उसने यहाँ कहा है सम बहुभुज, सम का मतलब हो गया समान, बहु का मतलब बहुत सारी भुजाएं, समान भुजाओं से जो बहुभुज बना है उसको उसने कह दिया सम बहुभुज। उसने उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। अब यहाँ ना तो त्रिभुज लिखा है, चतुर्भुज, पंचभुज, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें उसकी भुजाओं की संख्या नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि जो भी भुजाएं हैं वो समान हैं और उसके प्रत्येक अंतःकोण क्या है, 165 डिग्री, यानी कि हर एक का मान, क्योंकि भुजाओं की संख्या सम बहुभुज है तो इसमें क्या होगा, भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर भुजाएं समान होंगी तो उनमें कोण भी समान होंगे, यानी कि सभी कोणों का मान कितना होगा, प्रत्येक का, हर एक का कितना मान होगा, 165 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जब भी हमें प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर क्या होता है हमारे पास, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटे n। n यहाँ पे क्या है, जो इस बहुभुज की भुजाएं होंगी जो कि हमें ज्ञात करनी है। n हमें पता नहीं है, इसमें कितनी है, 4 भुजाएं हैं जैसे, तो यहाँ 4 आ जाता, लेकिन यहाँ उसने कहा है सम बहुभुज है तो उसका मान हमें पता नहीं है जो कि हमें ज्ञात करना है। अब वैल्यूज जैसे जैसे दे रखी हैं वैसे वैसे पुट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का मान हमें पता है कितना है, 165 डिग्री, ये हमने लिखा, बराबर n माइनस में 2 गुणा 180 डिग्री बटे n, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब हमारे पास इसको बनाना है, हमने रैखिक समीकरण, समीकरण बनाना है इसको। तो हम पीछे के क्वेश्चन में, अब पिछली प्रश्नावली में हमने इसको सीखा था कि किस तरह से करते हैं, जो भाग में इधर डिजिट अंक दे रखा है उसको उस तरफ ले जाएंगे और वो क्या हो जाएगी, गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 165n बराबर, इस 180 को अंदर गुणा कर देंगे, 180n माइनस में 2, पहले ये 180 की n के साथ गुणा होगी इसके साथ, अब उसके बाद में ये माइनस आ गया और ये 2 की 180 के साथ गुणा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम किस तरह से, ये जो 180n है इसको वैसे का वैसे लिख दिया और ये जो 165 है इसको दाईं तरफ ले आएंगे, ठीक है। और ये 2 गुणा 180 कितना हो जाएगा, 318 दुना 36 होता है, ये कितना हो जाएगा, 360, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 360 डिग्री। यहाँ से अब क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 360 का 360 लिख दिया, 180 में से 165 गए तो हमारे पास कितना बच गया, ये 10 में से 5 गए 5, इधर बच गया 7 में से 6 गए, ये आ गया हमारे पास 15n। अब यहाँ से क्या करते थे, n का मान निकालना है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होती है, n होती है, तो यहाँ से n का मान निकालना है, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, 360 डिग्री बटे 15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, भाग देंगे जब इसको, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना बच गया, 6 बच गया यहाँ, और 15 चौके 60, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आगी, 24, यानी कि भुजाओं की संख्या, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, भुजाओं की संख्या क्या आगी हमारे पास, 24, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तो था एक मेथड, इसके अलावा एक और मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से, तो चलिए मैं वो आपको समझाती हूँ।
इस तरफ कर लेते हैं इसको, जैसे दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है, इसको समझेंगे इसको किस तरह से करना है। अब उसने यहाँ दे रखा है इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना दे रखा है, 165 डिग्री। मान लीजिए हमने मानना, मतलब ये नहीं है कि ये एक चतुर्भुज दे रखा है हमें, ये नहीं दे रखा हमें चतुर्भुज, यहाँ तो भुजाएं कितनी आई हैं, 24 हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, परंतु हम एक बार एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि अगर उसका अंदर का कोण 165 डिग्री है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी ये वाली भुजा है इसको जब बढ़ा देंगे तो ये अंदर का कोण तो क्या होता है, अंतः होता है, और ये बाहर वाला कोण क्या होता है, बहिष्कोण, ठीक है। किस तरह से निकालते हैं बहिष्कोण, 100, ये पूरा कितना है, एक लाइन है, कितना कोण बन रहा है ये, 180 डिग्री। अगर इस 180 में से 165 को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बहिष्कोण। तो अंतः कोण कितना दे रखा है हमें, चूंकि अंतः कोण कितना है, 165 डिग्री, तो हमारे पास बहिष्कोण क्या आ जाएगा, इसका बहिष्कोण कितना आ जाएगा, 180 में से अगर 165 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बहिष्कोण आ जाएगा। तो 180 में से 165 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ये आ गया हमारे पास बहिष्कोण। अब हम पीछे हमने पढ़ा था कि जितने भी ये बहिष्कोण होते हैं इनको बढ़ा दें यदि ये सारे, तो इनका योगफल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। सभी बहिष्कोणों का, कोई भी बहुभुज है उसमें, कोई भी बहुभुज में जो बहिष्कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। तो हमने इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री बटे n, ठीक है। अब बहिष्कोण हमें दे रखा है, हमने निकाल लिया पहले 15 डिग्री, और सारों का योग कितना होता है, 360 डिग्री बटे n। n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो n को इस तरफ ले आएंगे और 15 को नीचे ले आएंगे क्योंकि हमें मान निकालना है, ठीक है। अभी हमने भाग दिया, n का मान कितना आ गया था हमारे पास, 24। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड करवा दिए, आपको जो अच्छा लगे, मेरे हिसाब से आपको दोनों आने चाहिए। एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको करने में इजी जो लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमें क्या है दे रखा है, क्या यह सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो इसमें क्या है, हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप, क्या फॉर्मूला होता है कि सभी, कोई भी बहुभुज है उसमें, मान लीजिए कोई भी बहुभुज ले लीजिए, जैसे ये त्रिभुज ले लिया मैंने, तो इसमें जितने भी बहिष्कोण बाह्य कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री, ठीक है। उसने कहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक कहा है तो यानी कि n का भाग देना होगा, n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण की माप हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 22 डिग्री बराबर 360 बटे n। तो हमें यहाँ उसने सम बहुभुज संभव है ये पूछा है, यानी कि उसकी भुजाओं की संख्या जो हमें नहीं दे रखी वो हम ज्ञात करेंगे, 360 डिग्री को इधर रख लेंगे और ये जो 22 है इसको भागफल में ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको भाग दे के देखते हैं, तो क्या ये भाग जा रहा है, नहीं ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका आंसर किस में आएगा हमारे पास, पॉइंटों में आएगा। तो जिससे हम ये कह सकते हैं, चूंकि इस सम बहुभुज में n का मान निकालने पर, n का मान निकालने, भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस कारण से हम क्या कह सकते हैं, यह सम बहुभुज संभव
नहीं है, क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो हमें हमारा आंसर है वो पॉइंटों में आएगा, जिस कारण से ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये संभव नहीं होगा। तो सम बहुभुज है वो संभव नहीं है। अब इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अंतःकोण के लिए अब हम चेक करेंगे। इसमें हमें दे रखा है बाह्य कोण की माप 22 डिग्री दे रखी है, तो अब हमने चेक किसके लिए करना है? अंतःकोण के लिए। तो बाह्य कोण से अंतःकोण किस तरह ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये अंदर वाला कोण निकालना है। बार वाला हमें कितना दे रखा है? बार वाला हमें दे रखा है 22 डिग्री। तो अंदर वाला कैसे आएगा? पूरा कितना होता है 180, 180 में से 22 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा कोण आ जाएगा? अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी हमारे पास? 180 माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 22 गया तो हमारे पास आ गया 158 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा अंतःकोण। अब क्या करना है हमें? अब हमें ज्ञात करना है कि ये है जो सम बहुभुज है उसका कोण हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए पहले हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, एन में से 2 घटाते हैं और उसको 180 से गुणा कर देते हैं। अब उसने यहाँ कहा ये तो है अंतःकोण का माप ज्ञात करने के लिए, सभी अंतःकोण निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब उसने यहाँ लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक के लिए एन से भाग दे देते थे, तो इसकी माप कितनी दे रखी है हमें? इसकी माप हमें दे रखी है 158 डिग्री। अब ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे किस तरह से। 180 को एन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाए, 180 एन माइनस में, ये माइनस का माइनस आ गया, 2 गुणा 180 डिग्री, और ये जो एन है ये इधर जाके गुणा में चला जाएगा, 158 डिग्री और एन। अब क्या करेंगे, इस 158 को इधर ले जाएंगे और ये 2 गुणा 180 कितना हो जाएगा, 18 दुना 36, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और ये क्या बच जाएगा, 180 एन माइनस में 158 एन। कितना आ जाएगा 180 में से, 158 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही 8 में से, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 7, 7 में से 5 गए और 2, कितना आ गया 22 एन बराबर 360 डिग्री। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ से n का मान ज्ञात करना है और यहाँ क्या आ जाएगा, 360 बटे 22। तो क्या 360 में 22 का पूरा पूरा भाग जाएगा? यही सेम यही आ गया, तो इसका भाग नहीं जाएगा, जो कि जिससे क्या लिखेंगे हम, सम बहुभुज में n का मान निकालने पे, यहाँ एक और चीज़ लिख देंगे, निकालने पर 360 में जो 22 है उसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये सम बहुभुज संभव नहीं है। सेम इस तरह ये लिखते, ठीक है, यानी कि इसमें ना तो बाह्य कोण के लिए संभव है ना ही वो अंतःकोण के लिए संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ उसने कहा है कि किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। उसने बात की है सम बहुभुज की, तो सम बहुभुज कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन में सम बहुभुज ले लेते हैं, तीन भुजाएं वाला ले लेते हैं, तीन भुजाओं वाला सम बहुभुज कौन हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये सम बाहु त्रिभुज, ठीक है, सम बाहु त्रिभुज वो होएगा जिसमें तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों कोण भी क्या होंगे, इसलिए समान होंगे। मान लीजिए ये कोण एक्स है, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके जो अंदर वाले कोण हैं, अंतःकोण हैं, उनका योग कितना होता है, अगर इन तीनों को जोड़ दें, एक्स को और इस एक्स को, तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान निकालने के लिए 180 डिग्री के भाग में ले जाएंगे 3 को, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया पहले नंबर क्वेश्चन का, कि सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा है कि इस अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है,
तो अगर अंदर का कोण हमें पता है 60 डिग्री, तो कितने अंश का बाह्य कोण संभव होगा? इसके लिए हम क्या निकालेंगे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें जो अंतः कोण है वो कितना निकला है, 60 डिग्री। तो यहाँ से बाह्य कोण कितना आ जाएगा? क्या करते थे बाह्य कोण निकालने के लिए, अगर अंदर का कोण ये इतना है, अगर इसको बाहर वाला कोण ये वाला निकालने के लिए क्या करते थे, 180 में से माइनस कर देते थे। तो इस अंदर वाले कोण को 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 60 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 डिग्री। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अंतः कोण कितना आ गया 60 डिग्री और बाह्य कोण कितना आ गया 120 डिग्री। आई होप आपको वीडियो समझ लगी हो, आपको ये प्रश्नावली के क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।